सो हे गाइस, फिर वेलकम बैक टू द चैनल सोशल मीडिया या टीच। सो फ्रेंड्स, सर आप भी एक स्नैपचैट यूज़र है तो मैं आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि फ्रेंड्स आज का वीडियो हर स्नैपचैट यूज़र के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर लास्ट वाले वीडियो में कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछा था कि आखिर स्नैपचैट में जो हमें यहाँ पर नया फीचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर स्नैपचैट में आई स्टोरी वाला इमोजी का, तो आखिर हम कैसे पता कर सकते कि आखिर एक्चुअल में हमारे स्नैपचैट के स्टोरी को दो बार किस पर्सन ने यहाँ पर देखा है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में और बताने वाला हूँ कि आखिर आप कैसे पता कर सकते हैं कि किस किस पर्सन ने आपकी स्नैपचैट की स्टोरी को यहाँ पर एक बार से ज़्यादा बार यहाँ पर देखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी स्नैपचैट का न्यू फीचर स्नैपचैट आइज इमोजी ऑन स्टोरी के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको सबसे पहले वो वाला फीचर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्नैपचैट ने बिल्कुल यहाँ पर नया फीचर यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसका यूज़ करके आप यहाँ पर एक्चुअल यहाँ पर नंबर देख सकते हैं जो जो पर्सन आपके स्नैपचैट के स्टोरी को एक बार से ज़्यादा बार यहाँ पर देखता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें यहाँ पर दो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर दो आइज़ वाला इमोजी हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यह कि जैसे कि टोटल मेरे यहाँ पर स्नैपचैट की स्टोरी को 29 लोगों ने यहाँ पर देखा है, यानी कि 29 लोगों ने देखा है। इसका मतलब यह कि 29 लोगों में से किसी दो पर्सन ने मेरी स्नैपचैट की स्टोरी को एक बार से ज़्यादा बार यहाँ पर देखा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर हम पता लगाएं कि आखिर किस पर्सन ने हमारी स्टोरी को यहाँ पर देखा है। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको करना है कि आपको यहाँ पर सिंपली स्नैपचैट में आ जाना है एंड देन स्टोरी वाले ऑप्शन में आना है। तो गाइस, आप जैसे यहाँ पर स्नैपचैट के स्टोरी वाले सेक्शन में आते हैं, तो आपको एक बात यहाँ पर याद रखना है कि आप जैसे अपने स्नैपचैट की स्टोरी को यहाँ पर ओपन करते हैं एंड यहाँ पर ऊपर स्वाइप करते हैं, तो गाइस जो लोग भी आपको यहाँ पर स्नैपचैट के स्टोरी के यहाँ पर टॉप 10 व्यूअर्स आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से, वो पर्सन है जो कि आपके स्नैपचैट के स्टोरी को बार बार यहाँ पर देखते हैं एंड जो कि ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आपके स्नैपचैट के प्रोफाइल से, यानी कि आपकी प्रोफाइल को बार बार यहाँ पर ओपन करते हैं, आपके स्टोरी को यहाँ पर देखते हैं, जो भी टॉप 10 यहाँ पर होते हैं स्नैपचैट व्यूअर। जैसे गाइस, आप जैसे यहाँ पर ओपन करते हैं एंड ऊपर स्वाइप करते हैं, तो आपको जो भी यहाँ पर टॉप 10 या फिर टॉप 15 दिखता है आपके व्यूअर्स के अकॉर्डिंग, अगर आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं स्नैपचैट की स्टोरी पर तो आपको टॉप 15 देखना है, फिर टॉप 20 देखना है। तो गाइस, मेरे इस टाइम यहाँ पर व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टॉप 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप भी यहाँ पर इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना स्टोरी में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे गाइस, हमें यहाँ पर जो टॉप 10 यार पर्सन देखने मिल रहे हैं यहाँ पर हमारे स्नैपचैट स्टोरी को जो भी देखते हैं, गाइस पहले आपको करना है कि आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर क्लिक कर लेना है जो भी आपके दिखने यहाँ पर टॉप वाले यहाँ पर्सन व्यूअर। देन गाइस, इसके बाद आपको करना ये कि आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने मिलते हैं यहाँ पर प्राइवेट स्टोरी का। फ्रेंड्स, सिंपली आपको प्राइवेट स्टोरी वाले ऑप्शन को टैप करना है। देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो भी टॉप आपके व्यूअर्स थे उस वाले स्टोरी में, उनको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर ऐसे टॉप 10 या फिर टॉप 15 को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी आपके स्टोरी के फ्रंट व्यूअर्स होते हैं, यानी स्टार्टिंग वाले व्यूअर्स होते हैं, एंड उसके बाद आप क्रिएट स्टोरी वाले ऑप्शन को टैप करके एक सेव वाले ऑप्शन को टैप कर दें। तो फ्रेंड्स, आप जैसे यहाँ पर टैप करते हैं, उसका सिंपली गाइस आपको जो यहाँ पर ऑप्शन देखने मिल रहा है यहाँ पर ऐड टू आदित्यस प्राइवेट स्टोरी, जो भी आपका एक्चुअल नेम होगा उसका, गाइस सिंपली आपको यहाँ पर टैप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर टैप करता हूँ यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को, उसका फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पर कोई भी स्टोरी यहाँ पर क्रिएट कर लेना। जैसे गाइस, मैंने यहाँ पर एक स्टोरी यहाँ पर क्रिएट किया, उसका सिंपली आपको यहाँ पर शेयर कर देना एंड। तो गाइस, आप जैसे यहाँ पर शेयर करते हैं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं आदित्यास प्राइवेट स्टोरी, यानी कि आपका जो भी एक्चुअल नेम होगा यार, कि आपको आपका यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर प्राइवेट स्टोरी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि इसका तो आपको करना है कि आपको इस वाले स्टोरी में यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे आपके 10 व्यूअर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, जिनको भी आपने प्राइवेट स्टोरी में यहाँ पर रखा है, जैसे वो व्यू कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपको यही इमोजी यहाँ पर देखने को मिलता है वापस यहाँ पर, तो गाइस इसका मतलब यह है कि इन 10 पर्सन में से ही किसी ने आपके स्नैपचैट की स्टोरी को यहाँ पर एक बार से ज़्यादा बार यहाँ पर देखे और वो एक्चुअल में डेली देखते रहते हैं। क्योंकि यार की मतलब रियलिटी होती है कि जो पर्सन आपके एक बार यहाँ पर देखता है स्टोरी, वो बार बार देखता है एंड डेली ही देखता है, जो कि आपका क्रश हो सकता है या फिर कुछ भी हो। तो गाइस, आपको यहाँ पर ऐसे करना है। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं और जैसे आपको किसी भी एक्चुअल पर्सन पर शक होता है, तो फ्रेंड्स आपको सिंपली करना है कि आपको यहाँ पर आपकी जो प्राइवेट स्टोरी थी उसको और छोटा यहाँ पर कर लेना, यानी कि 2% कर लेना है, 3% कर लेना है, फिर 4% कर लेना है। एंड जैसे जैसे आप छोटा यहाँ पर स्टोरी करते जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर स्टोरी में कम करते जाएंगे, जब आप प्राइवेट स्टोरी पोस्ट करते हैं, तो उस टाइम आपको एक्चुअल नंबर एंड एक्चुअल पर्सन पता लग जाएगा कि आखिर आपके स्नैपचैट के स्टोरी को यहाँ पर एक बार से ज़्यादा बार कौन देख रहा है, कौन आपका क्रश है, कौन दुश्मन है, फिर जो मर्जी हो। ठीक, तो आप इस तरीके से यार पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्नैपचैट और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिलेटेड मैं ऐसी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा ऑल योर इस चैनल पर।
सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का, सब कुछ करने का, बस खुश रहने का।